आज का ड्यूटी है दोस्तों हम सब का 100 मीटर का रेल हॉलिंग करना है, दो रेल हॉलिंग करना है 100 मीटर का। और जहाँ पे रेल चेंज हो रहा था, TRR हो रहा था, वहीं पे 100 मीटर का दोनों रेल लेके जाना है। देखिए अभी ट्रॉली लेके जा रहे हैं। देखिए इसी रेल को लेके जाना है दोस्तों। और देखिए ढेर सारा ट्रॉली लगा हुआ है रेल में, क्योंकि 100 मीटर का रेल है इसीलिए इसमें 8-9 ट्रॉली लगा हुआ है। देखिए देख सकते हैं मेरा ट्रॉली इधर है और बाकी उधर आगे लगा रखा है सब। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। और अभी जस्ट ड्यूटी से आए हैं और उधर का ड्यूटी पूरा ख़त्म हो गया, कल से अब इधर ही ड्यूटी करना है। जो मेरा सेक्शन है उसी में ड्यूटी करना है वहीं पर, क्योंकि उधर जो भी काम करने का था वो आज ख़त्म हो गया, फिनिश हो गया। तो अभी जस्ट ड्यूटी से आए हैं, आज काम भी जल्दी ख़त्म हो गया था, लगभग 11-12 बजे तक काम ख़त्म हो गया था, रेल हॉलिंग का काम था। और जहाँ पे रेल ख़त्म हुआ था उसके आगे 100 मीटर गैपिंग बच रहा था, तो वही कट करके दो रेल हॉलिंग करना था। जैसे वहाँ पे कट करके 100 मीटर रेल को वहाँ पर जाके सेट करना था, तो वही रेल आज जाके सेट किए हैं। आप सबको दिखाया ही ट्रॉली से किस तरह से रेल को लेके जाया जा रहा था और कितना ट्रॉली लगा हुआ था, ये सब मैं आप सबको पहले ही दिखा दिया। तो अभी जस्ट ड्यूटी से आया, गर्मी भी दोस्तों बहुत ज़्यादा था और धूप इधर लगभग 1-1 हफ्ता से बहुत ज़्यादा धूप हो रहा है। धूप ज़्यादा होने के कारण गर्मी बहुत पड़ रहा है और रेल का तापमान भी बढ़ रहा है। और कुछ दिन के बाद इधर मेरा जो सेक्शन है इधर हॉट वेदर पेट्रोलिंग चालू होने वाला है। तो हॉट वेदर पेट्रोलिंग कब से स्टार्ट होता है और कितना टेम्परेचर बढ़ जाने के कारण, जैसे जो रेल का टेम्परेचर रहता है उसका भी नियम रहता है, उतना बढ़ जाने के बाद फिर हॉट वेदर पेट्रोलिंग चालू हो जाता है। और जो ठंडे का पेट्रोलिंग रहता है उसमें भी जो टेम्परेचर घट जाता है, कितना घट जाने के बाद हाँ ये ठंडे वाला पेट्रोलिंग चालू होता है। चलिए ये सब मैं आप सबको बता देता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, कि जो भी भाई पेट्रोलिंग में आएंगे नए नए भाई, जैसे ग्रुप डी में ट्रैकमैन पोस्ट पे ज्वाइनिंग करेंगे तो उनको ये सब मालूम नहीं होगा कि पेट्रोलिंग क्या होता है, हॉट वेदर पेट्रोलिंग क्या होता है और ठंडे वाला पेट्रोलिंग क्या होता है, ये सब मालूम नहीं होगा। और कब से स्टार्ट होता है, कितना टेम्परेचर बढ़ जाता है तो स्टार्ट होता है, तो ये सब मालूम नहीं होगा। तो चलिए ये सब मैं आप सबको बता देता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। उससे पहले मैं अपनी लाडली बेटा से मिलाता हूँ, क्योंकि आज ड्यूटी से जैसे ही आए और उसे कपड़ा वपड़ा खोले, चेंज किया कपड़ा, तो फिर हम बैठे तो आँख मुन के हमको कुछ सरप्राइज दिखाई है, बनाई थी दीपाली कुछ, तो वही मैं आप सबको दिखाता हूँ। दीपाली खुद बनाई है, मम्मी थोड़ा हिंट करी है और मम्मी भी थोड़ा हेल्प करी है, तो देखिए मैं आप सबको दिखाता हूँ कि दीपाली क्या बनाई है, फिर उसके बाद फिर मैं आप सबको बताऊँगी तो फिर उसके बाद फिर मैं आप सबको बताऊँगा कि हॉट वेदर पेट्रोलिंग और ठंडे वाला पेट्रोलिंग क्या होता है, ठीक है?
तो चलिए दिखाते हैं आप सबको दीपावली को पहले। इधर दीपावली भी देखिए वीडियो बनाने में लगी हुई है। दीपावली का भी एक चैनल है दोस्तों, दीपावली ब्लॉग करके है, दीपावली उस पर खुद वीडियो बनाती है शॉर्ट शॉर्ट, तो उसमें भी जाके देखिएगा, सर्च करके देखिएगा दीपावली ब्लॉग को। देखिए अभी वीडियो बना रही थी दीपावली। और तुम क्या बनाई हो बेटा हमको अभी, क्या दी थी खाने के लिए, थोड़ा दिखा दो। मिठाई कहाँ है दिखाऊँ थोड़ा, इधर है देखिए, इधर कटोरों में बना के रखी है दीपावली। दिखाओ ना थोड़ा, चलो हम ही दिखा देते हैं। देखिए इसमें बना के रखी है, देखिए ये रसगुल्ला बनाई है, देखिए किस तरह से ये रसगुल्ला है, हाँ देखिए कैसे बनाई है दीपावली, बहुत अच्छा लगा खाने में। जैसे ही हम आए उसे ही आँख मुन के पहले खिलाई दीपावली और बोले कि क्या खा रहे हैं क्या बना है, तो देखे तो वाह बहुत अच्छा लगा खाने में। बोलो ना इधर दीपावली, वो मोबाइल में एकदम बिजी है, बोलिए ना हाय दोस्तों। हाँ और कैसे हैं आप लोग, अब बोलो ना कैसे हैं आप लोग, आशा करते हैं आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। दीपावली को बात करने का मन नहीं कर रहा है। चलिए दीपावली से ही पूछते हैं कि मिठाई कैसे बनाई थी, कैसे बनाई थी बेटा मिठाई, अच्छा अच्छा तो बनाई थी, लेकिन किस तरह से बनाई थी, आप बनाए थे कि मम्मी बनाए थी, कौन बनाए थे? मम्मी। किस चीज़ का बना हुआ था, तुमने देखी थी बनाते हुए? छोड़ थे। मम्मी तो कह रही थी कि दीपावली बनाई है। नहीं मम्मी झूठे थे। झूठे नहीं मम्मी सच बोल रही थी कि दीपावली बनाई है, हमको बताई थी बनाने के लिए, हमको नहीं आ रहा था बनाने के लिए। नहीं मम्मी है ये बनाई, ओहो अच्छा तो मम्मी से पूछते हैं कौन बनाई थी मिठाई, दीपावली तो चलिए दोस्तों अब बताते हैं आप सबको कि हॉट वेदर पेट्रोलिंग कब से स्टार्ट होता है और जो ठंडे वाला पेट्रोलिंग कब से स्टार्ट होता है, ये सब मैं आप सबको बता देता हूँ। तो अभी तो गर्मी पड़ रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, तभी एकाध हफ्ता में हॉट वेदर पेट्रोलिंग चालू होने वाला है। तो हॉट वेदर पेट्रोलिंग दोस्तों, जैसे रेल का तापमान TD+20 से अधिक हो जाता है, ये एक रेलवे का नियम है, एक थर्मामीटर आता है रेलवे की तरफ से, तो वो जो रेल रहता है, रेल के जो बेब रहता है उसमें उसको लगाया जाता है, जब 12, 1 चाहे 10 बजता है, धूप बहुत ज़्यादा पड़ता है तो बेब में वो थर्मामीटर को लगाया जाता है, तो TD+25 चाहे 20 से अधिक रहता है तो फिर हॉट वेदर पेट्रोलिंग चालू कर दिया जाता है सेक्शन में। हॉट वेदर चाहे ठंडे वाला पेट्रोलिंग ये LWR सेक्शन में स्टार्ट किया जाता है, जिधर LWR रेल रहता है उधर हॉट वेदर पेट्रोलिंग किया जाता है। तो हॉट वेदर पेट्रोलिंग के बारे में मैं आप सबको बताया कि TD+20 से अधिक रहता है तो हॉट वेदर पेट्रोलिंग स्टार्ट कर दिया जाता है। तो अभी TD+20 से अधिक हो गया है, तो अभी एकाध हफ्ता में स्टार्ट होने वाला है मेरा सेक्शन में, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, कुछ दिन में स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जितना अभी गर्मी पड़ रहा है इधर, अभी अप्रैल का महीना है और कुछ दिन में मई आएगा, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है, धूप भी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, तो इस सिचुएशन में इतना गर्मी पड़ने के बाद फिर ये सब पेट्रोलिंग हॉट वेदर पेट्रोलिंग चालू कर दिया जाता है। फिर ठंडे में जैसे -30 डिग्री चला जाता है, जैसे ठंडी के टाइम में तो टेम्परेचर घटेगा ही, माइनस में चला जाता है, तो TD-30 में अगर चला जाता है टेम्परेचर तो फिर ठंडे वाला पेट्रोलिंग चालू कर दिया जाता है नाइट में। नाइट के दिन में जैसे नाइट को ज़्यादा ठंडा रहता है, रात के समय में ज़्यादा ठंडी रहती है, तो TD-30 डिग्री हो जाता है, तो उस टाइम जो ठंडी का पेट्रोलिंग, जो नाइट में जो पेट्रोलिंग करते हैं तो ठंडे में करते हैं,
और जो हॉट वेदर पेट्रोलिंग रहता है वो दिन में करते हैं। ये भी मैं आप सबको बता देता हूँ, जो ठंडी का पेट्रोलिंग रहता है वो रात को किया जाता है, और जो हॉट वेदर पेट्रोलिंग रहता है वो दिन में किया जाता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में यही सब आप सबको बताना था दोस्तों, क्योंकि आज मैं ड्यूटी पर गया और इधर 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी कर रहा था। जब 12-1 बजे जब ब्लॉक मिलता था आ तो थोड़ा जल्दी कम अथी ख़त्म हो गया तो जल्दी छुट्टी हो गया, नहीं तो कल परसों चौथा रोज बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रहा था। और ब्लॉक तीनों दिन ब्लॉक 1 बजे, 2 बजे और 12 बजे के लगभग में ब्लॉक मिल रहा था, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा धूप पड़ रहा था और काम करने का मन नहीं कर रहा था, फिर भी जो ड्यूटी रहता है वो करना ही पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा गर्मी अभी इधर पड़ रहा है, इधर अप्रैल मई में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप सबको बताया कि हॉट वेदर पेट्रोलिंग क्या होता है और कब से स्टार्ट किया जाता है, और जो ठंडे वाला पेट्रोलिंग कब से स्टार्ट किया जाता है और किस तरह से किया जाता है। और एक बात और दोस्तों, जो हॉट वेदर पेट्रोलिंग रहता है उसमें रेल बकलिंग होने का चांस रहता है, क्योंकि गर्मी के टाइम में रेल फैलता है तो इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, तो इसीलिए हॉट वेदर पेट्रोलिंग को स्टार्ट किया जाता है। और TD+20 से अधिक होता है तो हॉट वेदर पेट्रोलिंग चालू किया जाता है। इधर देखिए दोस्तों, मेरा बेटा रो रही है, हमको भी एक छाटा मारी थी उसी लिए रो रही थी, पछता रही थी कि पापा को किस लिए मार दिए, तुम्हें ना मारी, हमको मारी तो हम नहीं रोए, दीपाली रोने लगे। और देखिए लास्ट में दीपाली आप सबको जय हिंद बोलेगी दोस्तों, देखिए अब हंस जाएगी, देखिए हंस गई। अब कुछ देर में बाय दोस्तों, आज जय हिंद बोलने वाली है तो बोल दीजिए, बोलिए बोलिए बोलिए, शर्मा रही है दीपाली, देखिए। अच्छा मम्मी, मम्मी को गुस्सा करेंगे, मम्मी डांट देती थी दीपाली को, बोलो बोलो जय हिंद दीपाली, देखिए कितना रो रही है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे मिलेंगे, जब तक के लिए बाय। और कस के बोलिए अच्छा से, हंस के कस के बोलिए, कस के बोलिए 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 बोलिए, जय हिंद दोस्तों।